आइए एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट निकालना है जो कि 2-5-2-9 से इक्विडिस्टेंट पे हो, यानी कि हमें एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट फाइंड करना है जो कि इन पॉइंट से बराबर की डिस्टेंस पे हो। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होता है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होता है। यहाँ ओरिजिन होता है जहां पर एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई इज इक्वल टू जीरो होता है। यहाँ दोनों की वैल्यू जीरो होती है। अब हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे एक्स एक्सिस पर आगे बढ़ते जाएंगे हमें एक्स की वैल्यू मिलती जाएगी 1, 2, 3, लेकिन वाई की वैल्यू इस लाइन पे जीरो ही होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू हमेशा जीरो होती है और एक्स एक्सिस का इक्वेशन भी हम वाई इज इक्वल टू जीरो लिखते हैं। इसी तरह वाई एक्सिस पे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमें वाई की वैल्यू तो मिलती जाएगी लेकिन एक्स की वैल्यू इस एक्सिस पर हमेशा जीरो होगी। इसलिए वाई एक्सिस का इक्वेशन हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा वो जीरो वाई के फॉर्म में होगा, वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होगा वो होगा एक्स जीरो के फॉर्म में, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन वाई हमेशा जीरो ही होगा। लेट द ए 2-5 एंड बी 2-9 आर द गिवन पॉइंट्स। हमने 2-5 को ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट, 2-9 को बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लिया है। वी नो दैट ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म एक्स जीरो, सो लेट द पॉइंट पी एक्स जीरो इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। देन हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट का फॉर्म एक्स जीरो के फॉर्म में होगा, इसलिए हम एक पॉइंट मान लेते हैं पी एक्स जीरो, एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे जो कि ए और बी से इक्विडिस्टेंट पे है। तो ए पी इज इक्वल टू बी पी होगा। ए पॉइंट से पी पॉइंट की डिस्टेंस और बी पॉइंट से पी पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल होगी, तो ए पी इज इक्वल टू होगा पॉइंट ए और पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए 2-5 एंड पी एक्स जीरो। यहाँ पर एक्स वन जो है वो 2 है, वाई वन जो है वो 5 है, एक्स टू जो है वो एक्स है और वाई टू जो है वो जीरो है। तो ए पॉइंट और पी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ए पी इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करने पे रूट अंडर x2-x1 का होल स्क्वायर यानी x-2 का होल स्क्वायर प्लस y2-y1 का होल स्क्वायर यानी 0-5 का होल स्क्वायर यानी 0-5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर प्लस 25। हमने AP का डिस्टेंस निकाल लिया है, अब हमें BP का डिस्टेंस निकालना है, B पॉइंट और P पॉइंट का डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन B 2-9 एंड P x 0। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से B और P के बीच का डिस्टेंस होगा BP इज इक्वल टू रूट अंडर x2-x1 का होल स्क्वायर यानी x-2 का होल स्क्वायर प्लस y2-y1 का होल स्क्वायर यानी 0-9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर x+2 का होल स्क्वायर प्लस 81। हमने अपने क्वेश्चन में माना है कि पॉइंट P से A और B इक्विडिस्टेंट पे हैं और इसलिए AP इज इक्वल टू BP है। तो AP की जो वैल्यू हमने निकाली है वो BP के वैल्यू के इक्वल होगी। AP इज इक्वल टू BP, hence AP की जो वैल्यू है रूट अंडर x-2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू रूट अंडर x+2 का होल स्क्वायर प्लस 81। स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, दोनों साइड स्क्वायर करने पे, हम स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों साइड रूट है, हम रूट को हटाने के लिए स्क्वायर कर रहे हैं। दैट इज x-2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू x+2 का होल स्क्वायर प्लस 81। स्क्वायर करने पे रूट हट जाएगा, दैट इज x-2 का होल स्क्वायर यानी a-b का होल स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 25 इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू ए यानी एक्स इंटू बी यानी 2 प्लस 81 दैट इज एक्स स्क्वायर 4 प्लस 25 29 प्लस 29 माइनस 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4 प्लस 81 तो प्लस 85 प्लस 4x दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 85 इज इक्वल टू 0। हम एक्स स्क्वायर प्लस 85 प्लस 4x को अदर साइड ले आए, इसका साइन चेंज हो गया है, तो दैट इज एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4x और माइनस 4x माइनस 8x प्लस 29 माइनस 85 तो माइनस 56 इज इक्वल टू 0 दैट इज माइनस 8x इज इक्वल टू 56 दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस 56 अपॉन 8 इज इक्वल टू माइनस 7 दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस 7 यानी कि एक्स की वैल्यू माइनस 7 आई है। हमने अपना पॉइंट लिया था पी एक्स जीरो यानी माइनस 7 0 वो पॉइंट है जिससे ये दोनों पॉइंट इक्विडिस्टेंट पे होंगे। द रिक्वायर्ड पॉइंट इज माइनस 7 0 हेंस पॉइंट 2 -5 एंड -29 आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट -7 0 विच इज ऑन द एक्स एक्सिस। अतः पॉइंट 2 -5 और -29 इक्विडिस्टेंट होंगे पॉइंट -7 0 से जो कि एक्स एक्सिस पे है।